नमस्ते बच्चों, आज हम 40 तक उधार के साथ घटाव करना सीखेंगे। आइए इस प्रश्न से शुरू करते हैं। एक दुकान में 40 खिलौने हैं, जिसमें से 25 टेडी बियर है। क्या आप बाकी बचे हुए खिलौनों की संख्या बता सकते हैं? हम यहाँ घटाव का उपयोग करेंगे। इसे हम घटाव के रूप में इस तरह लिखेंगे। हम इकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। बच्चों, यहाँ 5 शून्य से बड़ी संख्या है। हम यहाँ उधार का इस्तेमाल कर इस पहेली को हल कर सकते हैं। हमें 4 से एक उधार लेना होगा ताकि शून्य बढ़के 10 हो जाए। हमारा शून्य बन गया 10 और 4 बन गए 3। अब 10 से 5 घटाव हुए 5। इसे हम इकाई भाग के नीचे इस तरह लिखेंगे। अब दहाई वाले हिस्से में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। हमने 4 में से 1 उधार लिया था, इसलिए 4 बन गए 3। 3 घटाव 2 हुए 1। इसे यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिख दे। दुकान में बाकी बचे खिलौने 15 हैं। आइए एक और प्रश्न हल करें। गैफी को अपने कमरे में जाना है। कमरे में जाने के लिए उसे 37 कदम चलना होगा। गैफी 18 कदम चलने के बाद रुक जाती है। कमरे में जाने के लिए गैफी को और कितने कदम चलना होगा? हम घटाव का इस्तेमाल कर इसका उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए इसे खड़े घटाव के रूप में लिख सकते हैं। हम पहले इकाई भाग में लिखी संख्याओं को घटाएंगे, यानी 7 में से 8 घटाएंगे, लेकिन 7 8 से छोटी संख्या है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल सही, हम यहाँ उधार का इस्तेमाल करेंगे। हम दहाई वाली संख्या 3 से 1 की संख्या उधार लेंगे। 7 बन गए 17 और 3 हो गए 2। अब 17 से 8 घटाएंगे तो हुए 9। इसे हम यहाँ इकाई भाग में इस तरह लिख लेते हैं। आइए अब दहाई भाग के संख्याओं को घटाते हैं। 2 घटाव 1 हुए 1। इस 1 को दहाई वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। कमरे में जाने के लिए गैफी को 19 कदम और चलना होगा। बच्चों, अब आपकी बारी है इस प्रश्न को हल करने की। एक टोकरी में 24 गुब्बारे हैं। गैफी ने 15 गुब्बारे फुलाए। अभी सनी को कितने गुब्बारे फुलाने हैं? इस प्रश्न का हल ढूंढें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ उत्तर का साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 40 तक उधार के साथ घटाव करना सीखा।